नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली आर कैप्ट ऑन कैप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रिक्शन लेस टेबल द एक्सपेरिमेंटर पुश द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक ब्लॉक्स एक्सेलरेट इफ ब्लॉक ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ एफ ऑन ब्लॉक बी सवाल है वॉट इज द फोर्स एक्जर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए अगेन एन एल एम का सिंपल सवाल है सो so, स्नैरियो ये है कि यह आपका ब्लॉक ए ये आपका ब्लॉक बी दोनों कॉन्टैक्ट में ऐसे रखे हुए हैं so, सो इसका मास एम वन कह रहे थे इसका मास एम टू कह रहे थे और आपने यहाँ से एक फोर्स लेट से एफ लगाया है एफ़ वन और इन दोनों के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अपने को एफ़ दिया हुआ है सवाल ये है कि एफ़ जो है वो एफ़ वन की टर्म में कितना होएगा ये यह हमें यहाँ पर बताना है ना अगर आप दोनों का एफ बनाएंगे सो फ्रिक्शन लेस सर्फेस है लेट्स से पूरा सिस्टम आपका ए एक्सलेशन से इधर जा रहा है सो so, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एफ नेट इज़ इक्वल टू एम ए इसको यूज़ करेंगे तो नेट फोर्स जो है वो आपका ये एफ वन फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू एम यानी कि एम वन प्लस एम टू ए विच एम्प्लाइज आपका एक्सलेशन ए जो है दैट विल बी इक्वल टू एफ वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू हम एक्सेशन को ऐसे लिख सकते हैं इस केस में हमने क्योंकि दोनों का एक्सेलेशन सेम है दोनों को एक सिस्टम मान के आपकी एक्सेलेशन की वैल्यू निकाल लिए ना इस केस में आ, हमें जो एफ़ फोर्स है ये जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होएगा उसके बारे में अगर हम वो करें तो इसका एम टू का अगर हम एफ बी डी बनाएंगे यहाँ बना लेते हैं इसका एफ बी डी बनाएंगे तो इधर आपका फोर्स लग रहा है एफ़ जो इसको आगे धक्का दे रहा है और ये पूरा बॉडी मास इसका एम टू है और ये पूरी बॉडी आपकी एक्सेलेशन से जा रही है विच एम्प्लाइज एफ़ विल बी इक्वल टू एम टू ए आप ऐसा लिख सकते हैं लाइक like, अब इसको ए uh, को अगर हम यह इंसर्ट uh, कर देंगे सो विच एम्प्लाइज़ एफ़ जो आपका फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू एम टू मल्टीप्लाइड बाई एफ वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ये आ गया तो हमें एफ़ वन की वैल्यू बतानी है क्या होगा विच एम्प्लाईज़ आपका एफ वन जो है दैट विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम टू एफ यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सो so इसको एम टू से डिवाइड कर दें सो so आपका एफ वन विल बी इक्वल टू वन प्लस एम वन बाय एम टू एफ सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर तो एफ़ वन की वैल्यू एफ के टर्म में आ गई सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर